बिछड़ा कुछ इस अदा से के रुत ही बदल गई। एक शख्स सारे शहर को वीरान कर गया। मलक दिलावर हुसैन एडवोकेट जख्मों की ताब न लाते हुए दो दिन आईसीयू में रहने के बाद जिंदगी की बाजी हार गए और अपने माल के हकीकी से जा मिले। चंद रोज कबल मलक दिलावर हुसैन ने अपने कजन के बेटे फारूक की मुलजमान से सुलह करवाई थी, जिसका मुलजमान को रंज था। बदबख्त मुलजमान ने रंजिश रखते हुए मलक दिलावर हुसैन और उनके भाई मुनव्वर हुसैन को फायरिंग करते हुए जख्मी कर दिया था। मलक दिलावर हुसैन को 4 गोलियां लगी। 2 दिन मियो अस्पताल में जिंदगी की जंग लड़ते रहे, मगर जिंदगी वफा न कर सकी और अपने माल के हकीकी से जा मिले। लाहौर का हस्ताब मुस्कुराता चेहरा, प्यार बांटने वाला, हर दिल अजीज, मिलनसार, मोहब्बत और शफकत के फूल दूसरों को निछावर करने वाला मलक दिलावर हुसैन एडवोकेट की नमाज जनाजा बंद रोड मुंशी अस्पताल कब्रस्तान में अदा कर दी गयी। नमाज जनाजा में एहसन भून, आजम नजीर तारोट, बुरहान मुअज्जम मलक, हफीजुर रहमान चौधरी, आसम चीमा, पीर कलीम खुर्शीद, कारी हबीबुर रहमान जुबैरी, कारी जोहेबुर रहमान जुबैरी, मलक फैज खोकर, नईम चौहान, चौधरी सुहेल गुज्जर, चौधरी जुबैर गुज्जर, शकील गोंदल, जोहेब जोया, वासफ अली शेख, मलक मकसूद गुटर, परवेज सुलहरी, अख्तर पड्डा, राजा नुमान, फयाज अहमद रांझा, चौधरी कबीर, मोहसिन शबीर भट्टी, रेहान खान मेऊ, अब्दुल कयूम समेत पाकिस्तान बार काउंसिल, पंजाब बार काउंसिल, सुप्रीम कोर्ट बार, लाहौर हाईकोर्ट बार, लाहौर बार, पाकिस्तान टैक्स बार, लाहौर टैक्स बार के अहदेदारों मेंबरान की कसीर तादाद ने शिरकत की। मलक दिलावर हुसैन एडवोकेट की नमाज जनाजा में हर आंख अशक बार थी। आज फिर एक सुनहरे बाप का इख्तिताम हुआ। सबको प्यार और मुस्कुरा कर मिलने वाला आज सबको रुला कर चला गया। अल्लाह ताला मलक दिलावर हुसैन एडवोकेट की मगफिरत फरमाए और उनके दर्जात बुलंद फरमाए। आमीन सुमा आमीन। कैमरामैन बिलाल तौफी के साथ अफजल अयूबी, डी न्यूज़ लाहौर।